वेलकम बेटे। हम लोग पढ़ रहे हैं आज एवीज का रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्लास एवीज हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हम आज बेसिकली बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली पिजन का पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पिजन का हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए कि जो बर्ड्स हैं इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ये काफी ज्यादा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, किसकी तुलना में, किसी अगर अपने और अदर वर्टिब्रेट की बात करें तो उनकी तुलना में क्या होता है, जो बर्ड्स हैं इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है, मोर कॉम्प्लेक्स होता है, मोर कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, मोर कॉम्प्लेक्स होता है देन एनी अदर वर्टिब्रेट, देन एनी अदर वर्टिब्रेट। ठीक है बेटे, क्या होता है, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी किस बेस में आती है, इसके अंदर एनाटॉमिकली क्या होता है, एनाटॉमिकली क्या होता है, ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, जो बायर के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, पिजन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली बात कर रहे हैं। तो इसे हम लोग टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसे हम लोग बेसिकली टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं, टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट पार्ट जो है उसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, जो नेक्स्ट पार्ट है उसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ठीक है, अब देखिए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या है, एक्चुअल के लिए वे है, क्या है, वे है, या हम बोल सकते हैं पैसेज है। कि क्या है, एक पैसेज की तरह बिहेव करता है, किसके लिए, फॉर गैसेस, फॉर गैसेस। ठीक है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ये क्या है, एक पैसेज है गैसेज के लिए, गैसेज के लिए क्या है, एक पैसेज है। गैसेज इसके थ्रू क्या होती हैं, बॉडी के अंदर जाती हैं इंस्पिरेशन के दौरान और बॉडी से बाहर जाती हैं एक्सपिरेशन के दौरान। ठीक है, और जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं इनके अंदर बेसिकली क्या होता है, जैसा कि बर्ड्स क्या है, वर्टिब्रेट्स हैं, तो वर्टिब्रेट्स की तरह इनके अंदर क्या होते हैं, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो लंग्स होते हैं। क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। ठीक है, इनके अलावा जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उनके अंदर एयर सैक्स का भी रोल होता है। किसका, एयर सैक्स का रोल होता है। ठीक है, एयर सैक्स का रोल होता है। अब क्या होता है, हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग पहले शुरू करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, और हम लोग देखते हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो शुरू कहाँ से होता है। ठीक है, और उसकी एनाटॉमी कैसी होती है और वो हमें कैसा दिखता है। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं हम लोग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ये हमने बात करी थी कि बेसिकली ये क्या है, पैसेज है। क्या है, पैसेज है, कैसे, गैसेज के लिए। अब देखिए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है इसके अंदर काफी ज्यादा पॉइंट्स आ जाते हैं। कौन कौन से, हम लोग बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट शुरू कहाँ से होता है। तो इसका जो फर्स्ट ऑर्गन है या जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, एक्सटर्नल नेरिस। क्या है, एक्सटर्नल नेरिस। एक्सटर्नल नेरिस हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी थोड़ी इसके ऊपर बात की थी कि जो बीक होती है बॉडी के अंदर, बेसिकली अपर बीक जो है, अपर बीक जो है बॉडी के अंदर, वह उसका अपर बीक का बेस पोर्शन, अपर बीक जो है इसका बेस पोर्शन जस्ट इन फ्रंट ऑफ सेरी, जस्ट इन फ्रंट ऑफ सेरी, फ्रंट ऑफ सेरी, सीरी के एकदम सामने जो बेस पोर्शन होता है अपर बेक का, वहां पर क्या होता है, हमें टू ऑब्लिक, ऑब्लिक स्लिट लाइक ओपनिंग दिखती है। क्या होता है, हमें टू ऑब्लिक स्लिट लाइक ओपनिंग दिखती है, या हम लोग उसे बोल सकते हैं अपर्चर बोल सकते हैं। ठीक है, अपर्चर हमें शो होते हैं, जो क्या होते हैं बेसिकली एक्सटर्नल नेरिस होते हैं। जो क्या होते हैं, एक्सटर्नल नेरिस होते हैं। जो एक्सटर्नल नेरिस हैं ये कहां पर खुलते हैं, ये खुलते हैं नेजल सैक्स के अंदर, नेजल सैक्स, या फिर ऑल्फैक्टरी सैक्स के अंदर खुलते हैं, या फिर ऑल्फैक्टरी सैक्स के अंदर खुलते हैं। ठीक है, ये था एक्सटर्नल नेरिस के बारे में।
तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेजल सैक्स के बारे में। नेजल सैक्स के बारे में, जो नेजल सैक्स है, नेजल सैक्स है ठीक है, या इसे ऑल्फैक्टरी सैक्स भी बोल देते हैं हम, ठीक है, ऑल्फैक्टरी सैक्स भी बोल देते हैं ठीक है। ऑल्फैक्टरी सैक्स जो है बेसिकली एक्सटर्नल नेरिस जो है कहां पर खोलते हैं, ऑल्फैक्टरी सैक्स के अंदर खोलते हैं। ऑल्फैक्टरी सैक क्या है एक्चुअल के अंदर, कि जो स्कल के अंदर जो नेजल कैप्सूल होता है, जो नेजल कैप्सूल होता है वहां पर क्या होता है, एक कैविटी होती है, वहां पर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, नेजल सैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेजल सैक बोलते हैं। और जो नेजल सैक होते हैं वो एक सेप्टम के थ्रू अलग अलग रहते हैं, एक सेप्टम के थ्रू सेपरेट रहते हैं, एक सेप्टम के थ्रू क्या रहते हैं, सेपरेट रहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंटरनल नेरिस की। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंटरनल नेरिस की, ठीक है। इंटरनल नेरिस क्या है बेसिकली, जब जो बीक होती है बर्ड की, अपर बीक हम लोग बात करें, बेसिकली अपर बीक जो है बर्ड की, उसके अंदर जब हम लोग अपर बीक को अंदर की तरफ से देखते हैं ठीक है, तब हमें दिखता है कि जो बको फेरेंजियल कैविटी है, जो बको फेरेंजियल कैविटी है, बको फेरेंजियल कैविटी के अंदर जो मिड पोर्शन होता है एक्चुअल के अंदर, जो मिडल बको, जो बको फेरेंजियल कैविटी है उसका मिडल पोर्शन जो है, वहां पर क्या होता है कि हमें ओपनिंग्स दिखाई पड़ती हैं ठीक है, हमें टू ओपनिंग्स दिखाई पड़ती हैं, ओपनिंग्स दिखाई पड़ती हैं। वो क्या होते हैं एक्चुअल के अंदर, वो होते हैं इंटरनल नेरिस। वो क्या होते हैं एक्चुअल के अंदर, वो इंटरनल नेरिस होते हैं ठीक है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं फेरिंग्स की। किसकी, फेरिंग्स की, जो फोर्थ पार्ट है इसके अंदर वो क्या है, फेरिंग्स है ठीक है। जो फेरिंग्स है वो क्या है, कॉमन क्या है, कॉमन पैसेज है एक्चुअल के अंदर, क्या है, कॉमन पैसेज है। किसके लिए कॉमन पैसेज है, किसके लिए भी, ये है एयर के लिए और फूड के लिए। क्या है, एयर के लिए और फूड के लिए, क्या है जो फेरिंग्स है ये क्या है, कॉमन पैसेज है ठीक है। अब जो फेरिंग्स है, जो फेरिंग्स है बर्ड के अंदर, ये कहां पर खुलता है, जो हम लोग बात करें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बेस में ठीक है। तो इसके बाद में जो नेक्स्ट ऑर्गन आता है ये है ग्लॉटिस। क्या है, ग्लॉटिस। ग्लॉटिस जो है, ये हमने बात की थी कि जो बीक, सॉरी जो बर्ड के अंदर टंग होती है, जो टंग होती है बर्ड के अंदर वो क्या होती है, बाइफर्केटेड होती है पोस्टीरियर रीजन से ठीक है। जब हमने डाइजेस्टेशन देखा था तो उसके अंदर हमने देखा था कि जो टंग होती है बीक, टंग होती है बर्ड्स की, वो क्या होती है, बाइफर्केटेड होती है ठीक है, बाइफिड होती है। तो जो बाइफिड टंग होती है इसके पोस्टीरियर रीजन के अंदर, इसके पोस्टीरियर रीजन के अंदर हमें क्या दिखता है, एक ओपनिंग दिखती है, एक ओपनिंग दिखती है जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस बोलते हैं। और ग्लॉटिस एक्चुअल के अंदर प्रेजेंट कहां पर होता है, फेरिंग्स के फ्लोर पर, फ्लोर ऑफ द फेरिंग्स पर क्या दिखता है हमें, टंग के पीछे एक ओपनिंग दिखाई पड़ती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस बोलते हैं ठीक है। तो हमने एक्सटर्नल लेयर्स के बारे में देखा, नेजल सैक्स के बारे में देखा, उसके बाद में इंटरनल लेयर्स, फिर फेरिंग्स, उसके बाद में ग्लॉटिस, एंड नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है बर्ड्स के अंदर वो होती है लैरिंग्स। क्या होती है, लैरिंग्स। उसे हम लोग देखते हैं कि लैरिंग्स क्या है एक्चुअल के अंदर, हम लोग देखते हैं लैरिंग्स को ठीक है। लैरिंग्स जो है बेसिकली बर्ड के अंदर, लैरिंग्स ठीक है, लैरिंग्स जो मैमल्स होते हैं इनके अंदर, जैसे ह्यूमंस हैं इनके अंदर क्या करता है, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन की तरह कार्य करता है। लेकिन लैरिंग्स बर्ड के अंदर क्या होता है कि एक्चुअल के अंदर क्या होता है, थिन वॉल्ड होता है। क्या होता है, थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर होती है ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या होते हैं, कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से कार्टिलेज होते हैं इसके अंदर, एरिटिनोइड्स कार्टिलेज होते हैं, एरिटिनोइड, एरिटिनोइड कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं ठीक है। ये क्या होते हैं, पेयर के अंदर होते हैं, एक पेयर एरिटिनोइड कार्टिलेज है ठीक है। और क्या होते हैं, एक सिंगल क्या होता है, क्रिकोइड कार्टिलेज होता है, क्रिकोइड कार्टिलेज होता है ठीक है। और ये जो है बेसिकली पीसेस के अंदर डिवाइड होते हैं, ये क्या होते हैं, पीसेस के अंदर डिवाइड होते हैं। और इन पीसेस को हम क्या बोल देते हैं, प्री क्रिकोइड, हम क्या बोल देते हैं इन्हें, प्री, हम लोग इन्हें क्या बोलते हैं बेसिकली, ये जो पीसेस हैं इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, प्री क्रिकोइड्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, प्री क्रिकोइड्स बोल देते हैं, प्री क्रिकोइड्स बोल देते हैं ठीक है। तो ये था लैरिंग्स के बारे में। लेकिन लैरिंग्स जो है इनके अंदर साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन की तरह कार्य नहीं करता है ठीक है, बेसिकली ये क्या है, एक वे की तरह काम करता है।
लैरिंग्स के बाद में जो नेक्स्ट पोर्शन है जो बर्ड्स के अंदर, लैरिंग्स के बाद में नेक्स्ट पोर्शन है वो है ट्रैकिया। क्या है? ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है बेसिकली, ट्रैकिया ये क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब है। क्या है? एक लॉन्ग ट्यूब है ट्रैकिया, जो है लॉन्ग ट्यूब है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसको एनसर्कल करने वाली क्या होती है, बोनी रिंग्स। ट्रैकिया के अंदर क्या होता है, बोनी रिंग्स पाई जाती हैं। ध्यान से बात सुनिए, ये कार्टिलेजिनस रिंग नहीं है, ये क्या है, बोनी रिंग है, ठीक है। ट्रैकिया क्या, लॉन्ग ट्यूब होती है और ये पूरी की पूरी नेक जो होती है बर्ड के अंदर, उसकी लेंथ के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया क्या करती है, आगे जाकर, ठीक है, फॉरवर्ड होकर, जो कि बेसिकली मान लेते हैं हम लोग ये ट्रैकिया है, ठीक है। ट्रैकिया आगे जाकर क्या होती है, थोड़ा एक्सपांड होती है, इस टाइप से थोड़ा फूल जाती है, और वो क्या करती है, एक्सपांड होकर सीरिंग्स का फॉर्मेशन करती है। क्या करती है? सीरिंग्स का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है? सीरिंग्स का। ये क्या है? सीरिंग्स का, ठीक है, सीरिंग्स का, सीरिंग्स का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं सीरिंग्स को, और सीरिंग्स बेसिकली है क्या, जो ट्रैकिया है, सीरिंग्स का फॉर्मेशन करने के बाद में, मतलब थोड़ा फूलने के बाद में क्या करती है, टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, टू पार्ट्स के अंदर बाइफर्केट हो जाती है, ठीक है। जिन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी, प्राइमरी ब्रोंकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी ब्रोंकाई या फिर प्राइमरी ब्रोंकस बोलते हैं, ठीक है। तो ये था बेसिकली लैरिंग्स के बारे में, और किसके बारे में था, ट्रैकिया के बारे में। अब हम लोग क्या बात करेंगे, जो नेक्स्ट सीरिंग्स के बारे में। सीरिंग्स एक्चुअल के अंदर क्या होता है कि बर्ड्स के अंदर साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है। क्या होता है? साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है। और इसके अंदर साउंड किस टाइप से प्रोड्यूस होती है और इसकी एनाटॉमी क्या होती है, इसे हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसकी स्टडी करते हैं। तो बेटे अब हम लोग बात करते हैं सीरिंग्स के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं सीरिंग्स के बारे में, ठीक है। सीरिंग्स, एक बात ध्यान रखिए कि जो सीरिंग्स है वो क्या होता है बर्ड्स के अंदर, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन की तरह काम करता है। जो सीरिंग्स होता है बर्ड्स के अंदर वो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन की तरह काम करता है, ठीक है। अब एक बात और, जैसा हमने पिछले पार्ट के अंदर देखा था कि जो ट्रैकिया है बर्ड्स के अंदर, जो ट्रैकिया है, सॉरी अपन बात कर रहे हैं पिजन की, ठीक है। ट्रैकिया जो होता है ये बोनी रिंग्स से कवर रहता है। क्या रहता है? इसके अंदर बोनी रिंग्स पाई जाती हैं, ठीक है। अब देखिए, जो ब्रोंकस होते हैं, जो ब्रोंकस होते हैं, जब ट्रैकिया डिवाइड करता है तो ब्रोंकस का फॉर्मेशन होता है। तो जो ब्रोंकस होते हैं उनके अंदर भी क्या होती है, उनके अंदर कार्टिलेजिनस रिंग होती है, उनके अंदर कार्टिलेजिनस रिंग होती है, उनके अंदर कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, ठीक है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट फर्स्ट रिंग, एक्सेप्ट फर्स्ट रिंग। ये जो फर्स्ट रिंग होती है ये बोनी होती है। ये बात ध्यान रखिए कि मतलब जो ट्रैकिया है, जो ट्रैकिया है उसके अंदर क्या होगा, जो रिंग्स हैं वो बोनी रिंग्स होंगी, ठीक है। और ट्रैकिया जब ब्रोंकस का फॉर्मेशन करता है तो ब्रोंकस के अंदर भी, हर एक ब्रोंकस के अंदर जो फर्स्ट रिंग होगी ना, वो क्या होगी, वो बोन की बनी होगी, वो बोनी रिंग होगी, ठीक है। उसके अलावा जो ब्रोंकस है उसके अंदर क्या होगा कि कार्टिलेजिनस रिंग्स पाई जाएंगी, ठीक है। और जो रिंग्स होंगी वो क्या होगी, इनकम्प्लीट होंगी, सी शेप के अंदर होंगी, वो सी शेप के अंदर होंगी। और ये जो रिंग्स हैं या सी शेप के जो कार्टिलेज, कार्टिलेज होते हैं, ये क्या करते हैं, ट्रैकिया को ये जो है कोलैप्स होने से बचाते हैं। क्या करते हैं? कोलैप्स होने से बचाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं लैरिंग्स के बारे में, ठीक है, सॉरी सीरिंग्स के बारे में, क्योंकि बर्ड्स के अंदर क्या होता है, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन सीरिंग्स होता है। तो सीरिंग्स के अंदर हमने देखा था कि जो ट्रैकिया है वो क्या करती है, पहले जब आगे जाकर ट्रैकिया पहले क्या करती है, बल्ज आउट होती है, और बल्ज आउट होकर क्या करती है, सीरिंग्स का फॉर्मेशन करती है, और सीरिंग्स का फॉर्मेशन करने के बाद में क्या होती है, वो ब्रोंकस के अंदर डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो अब देखिए, सीरिंग्स का हमने एक डायग्राम लिया है, उसके अंदर हमने क्या देखा है कि जो सीरिंग्स है, जो सीरिंग्स है, सीरिंग्स, ठीक है, सीरिंग्स की जो कैविटी है एक्चुअल के अंदर, सीरिंग्स के अंदर जो कैविटी होती है उसे हम टिम्पैनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिम्पैनम। क्या बोलते हैं? टिम्पैनम बोलते हैं, ठीक है। और जो टिम्पैनम एक्चुअल के अंदर ये कैविटी है, ये वाली कैविटी, इसे क्या बोल रहे हैं हम, टिम्पैनम बोल रहे हैं। और जो टिम्पैनम है इसको कवर करने के लिए क्या होते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं। इसको लाइन करने के लिए क्या होती हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स, ठीक है बेटे। क्या होती हैं? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स इसको कवर करने के लिए होती हैं। अब ध्यान से बात सुनिए कि जो आउटर वॉल है,
हम लोग इसके अंदर देख रहे हैं कि जो आउटर वॉल है, ठीक है, आउटर वॉल जो है दोनों साइड में, वहां पर क्या है जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, आउटर वॉल की जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। क्या बोल रहे हैं, ये जो एक्सटर्नल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है जो कि आउटर वॉल के अंदर है और जो अंदर की तरफ है ये, इसे क्या बोल रहे हैं हम, इसे हम बोल रहे हैं इंटरनल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो मतलब जो बाहर की तरफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और जो अंदर की तरफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है इसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। एक बात ध्यान रखिए कि जो ब्रोंकस होते हैं ठीक है, यहां से वो डिवाइड होते हैं, तो ब्रोंकस का मीडियन वॉल जो होती है, मीडियन वॉल जो है, ठीक है, मीडियन वॉल की म्यूकोसा जो है, ध्यान से बात सुनिए, ब्रोंकस की मीडियन वॉल की म्यूकोसा क्या करती है, इंटरनल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती है। क्या करती है, इंटरनल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, ये क्या है, इंटरनल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। एक बात ध्यान रखिए, जो इंटरनल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हैं ये क्या करती हैं, जो एक एक्सटेंशन होता है इंटरक्लेविकुलर एयर सैक का, एक्सटेंशन होता है ये इंटरक्लेविकुलर एयर सैक का। एयर सैक को हमें बाद में देखना है, ठीक है, एक बार इसे थोड़ा ध्यान रखें कि एक्सटेंशन जो है इंटरक्लेविकुलर एयर सैक का, उसको कौन एनसर्कल करता है, इंटरनल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन उसे एनसर्कल करती है। ठीक है, अब देखिए जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स हैं ये एनसर्कल करने के बाद में एक्सटर्नल एक्सटेंशन ऑफ इंटरक्लेविकुलर एयर सैक को एनसर्कल करने के बाद में क्या होती है, ट्रैकिया की तरफ प्रोजेक्ट आउट होती है। ठीक है, और तब वो क्या करती है, प्रोजेक्ट आउट होके क्या करती हैं, वो मेम्ब्रेना सेमिलुनरिस का फॉर्मेशन करती है। क्या करती हैं, मेम्ब्रेना सेमिलुनरिस का फॉर्मेशन करती है, और यही क्या है, जब मेम्ब्रेना सेमिलुनरिस के अंदर क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, मेम्ब्रेना सेमिलुनरिस के अंदर क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, तब वहां पर क्या होगा साउंड का प्रोडक्शन होगा। साउंड का प्रोडक्शन हम लोग मैकेनिज्म बाद में देखेंगे, पहले इसे थोड़ा और समझते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए कि जो इंटरनल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, जिन्होंने क्या किया, आगे जाकर ट्रैकिया की तरफ प्रोजेक्ट आउट होके मेम्ब्रेना सेमिलुनरिस का फॉर्मेशन किया है, तो मेम्ब्रेना सेमिलुनरिस को सपोर्ट करने के लिए एक कार्टिलेज की बार, ठीक है, एक हम बोल सकते हैं कि रॉड बोल सकते हैं कार्टिलेज की, ठीक है, ये रही जो रॉड है कार्टिलेज की, या फिर उसे हम बोलते हैं बार ऑफ कार्टिलेज। क्या करती है, मेम्ब्रेना सेमिलुनरिस को क्या करती है, सपोर्ट करती है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो एक्सटर्नल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, इंटरनल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये है पेसल्स, इसके बाद में हमने देखा जो मेम्ब्रेना सेमिलुनरिस है, ठीक है, और ये जो पूरा हमारा सेरिंग्स है, ये जो सेरिंग्स है इसकी फॉर्मेशन करता कौन है, बेसिकली जो ट्रैकिया है इसकी लास्ट थ्री टू फोर बोनी रिंग्स, ठीक है, और फर्स्ट बोनी रिंग ऑफ ब्रोंकस, ये क्या करते हैं, बेसिकली इसकी फॉर्मेशन करते हैं। मतलब ये क्या है, सिर्फ इतना सा पार्ट जो होता है, ठीक है, ये डायग्राम थोड़ा सही नहीं, इसके अंदर क्या है, सिर्फ लगभग इतना सा पार्ट जो है ये क्या है, इसका सिरिंग्स का पोर्शन है। ठीक है, अब देखिए, अब इसके अंदर और ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो मेम्ब्रेन्स होती हैं कौन सी, इंटरनल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स, ठीक है, या फिर जो है एक्सटर्नल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स जो हैं, ठीक है, इनके अंदर बेसिकली क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि जो वॉल्स होती हैं, जो सिरिंग्स की वॉल्स हैं, ठीक है, वहां से क्या निकलती हैं, कुछ एक मसल्स निकलती हैं, जो वॉल है सिरिंग्स की वहां से कुछ एक निकलती हैं मसल्स, ठीक है, जो मसल्स निकलेंगी, जो अराइज होंगी वॉल्स से, किसकी, सिरिंग्स की वॉल से, ठीक है, सिरिंग्स की वॉल से जो मसल्स अराइज होती हैं, ठीक है, हम लोग बात करें कि जो मसल्स अराइज होती हैं सिरिंग्स की वॉल से, ठीक है, वो क्या करती हैं, जो मेम्ब्रेना सेमिलुनरिस है ये क्या करती है, उसके एक्सटेंशन को, या उसके अंदर जो एक्सटेंशन होने वाला है, एक्सटेंशन
या हम जिसे बोलते हैं टेंशन, जिसे तनाव बोल सकते हैं, ठीक है, उसको कंट्रोल करते हैं। उसे क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। कौन? जो मसल्स अराइज होती हैं साइड वॉल्स से। कहाँ की साइड वॉल्स से? जो साइड वॉल्स हैं ट्रैकिया की, उससे वहां से क्या होती हैं, कुछ एक मसल्स अराइज होती हैं और सेरिंग्स के अंदर क्या करती हैं, वो इंसर्ट हो जाती हैं। कहाँ पर? जो ट्रैकिया की साइड वॉल्स हैं, ट्रैकिया की साइड वॉल्स हैं वहां से मसल्स अराइज होती हैं, ठीक है, और सेरिंग्स के अंदर वो इंसर्ट हो जाती हैं, सेरिंग्स के अंदर इंसर्ट हो जाती हैं। एक तो ये मसल्स थी, ठीक है, जो साउंड को कंट्रोल करने का काम करेगी, मतलब सेमिनल नर्व्स जो है इसके जो टेंशन है इसको कंट्रोल करने का काम करेगी। इसके अलावा जो एक और मसल्स होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टर्नो सिरिंजियल मसल। क्या बोलते हैं? स्टर्नो सिरिंजियल मसल्स, ठीक है। स्टर्नो सिरिंजियल मसल जो होती हैं वो कहाँ से अराइज होती हैं? वो अराइज होती हैं स्टर्नम से, वो स्टर्नम से अराइज होती हैं, ठीक है, और कहाँ पर जाती हैं? सेरिंग्स के अंदर, सेरिंग्स जो है सेरिंग्स के अंदर क्या हो जाती हैं, वो इंसर्ट हो जाती हैं। समझे बात? तो यहाँ पर दो टाइप की मसल्स, कौन से? इंटरनल सिरिंजियल मसल्स, इंटरनल सिरिंजियल मसल्स जो कहाँ से अराइज हो रही थी, साइड वॉल्स ऑफ ट्रैकिया से अराइज होती हैं, ठीक है, और सेरिंग्स के अंदर इंसर्ट हो जाती हैं। उसके बाद में एक स्टर्नो सिरिंजियल मसल्स जो होती हैं वो स्टर्नम से अराइज होती हैं और सेरिंग्स के अंदर क्या करती हैं, वो प्रोजेक्ट आउट होती हैं, ठीक है। ये जो दोनों मसल्स हैं ये क्या करेंगी, जो मेम्ब्रेना सेमिनरिस है इसके जो टेंशन है इसको क्या करेगी, कंट्रोल करेगी, क्या करेगी, एक्सटेंशन को कंट्रोल करेगी, ठीक है। अब देखिए, टेंशन बोल सकते हैं या हम बोल सकते हैं कि मूवमेंट जो है मेम्ब्रेना सेमिनरिस की, जो मूवमेंट है या जो टेंशन, उसे हम क्या करेंगे, जो ये जो मसल्स हैं ये कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ये जो सीरिंग्स है इसकी एनाटॉमी है, ठीक है। अब क्या है, हम लोग इसके मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म के अंदर बेसिकली क्या है, क्या कि मैकेनिज्म इसका इजी है। उसके अंदर क्या है कि जब बर्ड क्या करता है, फोर्सफुली, जब बर्ड फोर्सफुली एक्सपिरेशन करता है, जब बर्ड फोर्सफुली एक्सपिरेशन करता है, तब क्या होता है, जो मेम्ब्रेना सेमिलिनरिस है इसके अंदर वाइब्रेशन होता है। मेम्ब्रेना सेमिलिनरिस के अंदर क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन होने से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, जो मेम्ब्रेना सेमिलिनरिस है ये क्या होगा, वाइब्रेट होगा, और इसके वाइब्रेट होने से क्या होगा, जो साउंड का प्रोडक्शन है वो होगा, ठीक है। अब जो साउंड है वो किस टाइप की होगी, जो साउंड है वो किस टाइप की होगी, ठीक है, उसे भी जो बर्ड है वो चेंज कर सकता है, उसे भी पिजन क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। वो कैसे चेंज कर सकता है, वो जो इंटरनल सिरिंजियल मसल्स हैं या फिर स्टर्नो सिरिंजियल मसल्स जो हैं उनके अंदर क्या करता है, वो उनके टेंशन के अंदर चेंज करके क्या करता है, इसके मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, मेम्ब्रेना सेमिलिनरिस की जो मूवमेंट है इन्हें कौन कंट्रोल करता था, इन्हें दो मसल्स, इंटरनल सिरिंजियल मसल्स और स्टर्नो सिरिंजियल मसल्स जो हैं इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, और वो जो मसल्स हैं वो जो वॉइस है या जो साउंड है उसको भी क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये था बेसिकली सिरिंग्स के बारे में। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। तो वेलकम बेटे, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अब हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं बर्ड के अंदर या कोलंबा के अंदर, वो क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। क्या होते हैं? लंग्स, ठीक है। और इनके लंग्स की खास बात क्या होती है कि ये क्या होते हैं, सॉलिड टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? ये थोड़े सॉलिड होते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम लोग जो बाकी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके जब लंग्स देखते हैं तो वो हमें डिस्टेंसिबल हमें लगते हैं कि वो क्या होते हैं, कि डिस्टेंसिबल होते हैं, ठीक है। लेकिन इनके जो लंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनडिस्टेंसिबल होते हैं, इनडिस्टेंसिबल होते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या होते हैं, ये थोड़े सॉलिड टाइप के होते हैं, ये क्या होते हैं, थोड़े सॉलिड टाइप के होते हैं, थिक होते हैं थोड़े से। क्या होते हैं? थिक होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? थोड़े थिक होते हैं। लंग्स होते हैं सॉलिड इसके, ठीक है, इनडिस्टेंसिबल होते हैं, ठीक है। और ये जो लंग्स हैं ये क्या होते हैं, काफी ज्यादा पिंकिश होते हैं। क्या होते हैं? काफी ज्यादा पिंकिश होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या होती है, हाईली ये वैस्कुलर होते हैं। क्या होते हैं? हाईली वैस्कुलर होते हैं। मतलब इनके पास जो ब्लड सप्लाई है, जो लंग्स हैं इसके पास ब्लड सप्लाई जो है वो काफी ज्यादा होती है। क्या होते हैं? ये काफी ज्यादा ब्लड सप्लाई लिए होते हैं, ठीक है। और जो लंग्स हैं, बेसिकली जो लंग्स हैं वो क्या होते हैं,
इनडिस्टेंसिबल होते हैं। ये बात ध्यान रखिए कि वो जो लंग्स हैं ये क्या होते हैं, लंग्स जो हैं इनडिस्टेंसिबल होते हैं। इनडिस्टेंसिबल वर्ड का मतलब क्या है कि ये क्या होते हैं, ये लेस इलास्टिक होते हैं, ये लेस इलास्टिक होते हैं, लेस इलास्टिक होते हैं। समझ आई इतनी बात? तो दोबारा देखते हैं हम कि जो बर्ड्स हैं, पिजन की बात करें, उसके अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या है, लंग्स होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं मोर और लेस सॉलिड होते हैं, मोर और लेस सॉलिड होते हैं, ठीक है। मोर और लेस सॉलिड होने का मतलब क्या है कि वो डिस्टेंसिबल ज्यादा नहीं है, ठीक है, वो लेस इलास्टिक है, वो क्या है, लेस इलास्टिक है, थोड़े सॉलिड टाइप के हैं वो, ठीक है। और क्या है, वो काफी ज्यादा पिंकिश कलर के दिखाई देते हैं हमें, क्या दिखाई देते हैं, पिंकिश कलर, पिंकिश कलर उसका होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि उनके पास क्या होती है, जो ब्लड सप्लाई होती है वो काफी ज्यादा होती है, जो ब्लड सप्लाई है लंग्स के पास में वो काफी ज्यादा होती है, वो हाईली वैस्कुलर होते हैं, ठीक है। अब ध्यान से बात सुनिए कि जो लंग्स हैं, जो लंग्स हैं पिजन के, उसको पेरिटोनियम कवर नहीं करती है, जैसा कि हम लोग मैमल्स के अंदर देखते हैं या फिर ह्यूमंस के अंदर देखते हैं कि लंग्स को कवर करने के लिए क्या होती है, एक कवरिंग होती है, उसे हम बोलते हैं प्लूरल पेरिटोनियम, जिसके कि दो फोल्ड होते हैं, जो मतलब क्या होती है, दो कवरिंग लिए होती है, आउटर, कौन सी, आउटर पेरिटोनियम होती है और इनर पेरिटोनियम होती है, ठीक है, जिसे हम पेराइटल पेरिटोनियम और बेसल पेरिटोनियम बोलते हैं। वो क्या होती है बर्ड्स के अंदर, पिजन के अंदर हम बात करें कि जो लंग्स हैं, ध्यान से बात सुनिए, जो लंग्स हैं पिजन के अंदर डॉर्सली, डॉर्सली उन्हें पेरिटोनियम कवर नहीं करती है, डॉर्सली उन्हें पेरिटोनियम कवर नहीं करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिए, डॉर्सली लंग्स को जो पेरिटोनियम है वो कवर नहीं करती है, क्यों, क्योंकि वहां पर क्या होते हैं वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम जो होता है, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम जो होता है, या और फिर क्या होते हैं वर्टिब्रल, वर्टिब्रल रिप्स जो हैं, वर्टिब्रल रिप्स जो हैं, इसके अगेंस्ट डॉर्सल सरफेस की बात करें, वर्टिब्रल मान लीजिए क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, और यहां से क्या निकलेंगे, वर्टिब्रल रिब्स निकलेंगे इस टाइप से, ठीक है। तो इनके नीचे जो लंग्स हैं, इनके जो लंग्स हैं वो क्या होंगे, थोड़े प्रेस टाइप से होंगे, वो थोड़े दबे होंगे, वो क्या होंगे, थोड़े इस टाइप से प्रेस टाइप से होंगे, थोड़े दबे होंगे, ठीक है। क्या होंगे, जो लंग्स हैं वो डॉर्सली पेरिटोनियम से कवर नहीं होते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं, प्रेस्ड होते हैं, प्रेस्ड होते हैं, ठीक है, क्यों, उनके ऊपर क्या चीज प्रेजेंट है, वर्टिब्रल कॉलम एंड वर्टिब्रल रिब्स प्रेजेंट हैं, जो क्या कर, उनकी, उनके कारण क्या है, वो थोड़ा प्रेस्ड होते हैं, ठीक है, ये बात समझ आई। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि जो लंग्स हैं वो नीचे से, मतलब वो वेंट्रली क्या होते हैं, कवर होते हैं, लंग्स जो हैं वो क्या होते हैं, वेंट्रली, वेंट्रल जो सरफेस होती है उनकी, वेंट्रली वो क्या होते हैं, कवर होते हैं, क्या होते हैं, वेंट्रली कवर होते हैं, और कवर कौन करता है उन्हें, पेरिटोनियम कवर करती है, कौन कवर करता है उन्हें, पेरिटोनियम कवर करती है। लेकिन ये जो पेरिटोनियम होती है, जो कि वेंट्रल सरफेस के अंदर प्रेजेंट होती है, ये क्या होती है, थोड़ी थिक होती है, क्या होती है, थिक होती है, मस्कुलर होती है, क्या होती है, थिक होती है और मस्कुलर होती है। ये जो कवरिंग है पेरिटोनियम की, ये क्या है, थोड़ी थिक है और मस्कुलर है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग शीट होती है, ये क्या होती है, स्ट्रॉन्ग, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट क्या होती है, ये जो पेरिटोनियम है ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। तो नीचे से कौन कवर करता है इन्हें, इन्हें जो है पेरिटोनियम वो कवर करती है, ठीक है बेटे, इतनी बात समझ आई। अब एक बात और ध्यान रखिए कि जो लंग्स हैं, जो लंग्स हैं ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं, ये प्लूरल जो कैविटी है, ये जो प्लूरल कैविटी होती है, प्लूरल कैविटी जो है वहां पर प्रेजेंट होते हैं। लंग्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं, प्लूरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो प्लूरल कैविटी है माने जो बॉडी कैविटी है, इसके अंदर काफी सारी कैविटीज होती हैं, तो उसके अंदर एब्डोमिनल कैविटी भी होती है और क्या होती है, प्लूरल कैविटी भी होती है, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी जो है, ध्यान से बात सुने, एब्डोमिनल कैविटी जो है इसको प्लूरल कैविटी से अलग करने का काम, ध्यान से बात सुने, प्लूरल कैविटी को एब्डोमिनल जो कैविटी है उससे अलग करने का काम कौन करता है, एक सेप्टम करता है, कौन करता है, एक सेप्टम करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्लीक सेप्टम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑब्लीक सेप्टम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑब्लीक सेप्टम बोलते हैं, ऑब्लीक सेप्टम, ऑब्लीक सेप्टम क्या करता है, प्लूरल कैविटी को,
ल्यूरल कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से क्या करता है, अलग करता है, क्या करता है, अलग करता है, ठीक है। और जो प्लूरल कैविटी है उसके अंदर हमने देखा कि जो लंग्स हैं वो डॉर्सली कवर नहीं है पेरिटोनियम से, लेकिन वो वेंट्रली क्या है, वेंट्रली क्या है, वो कवर्ड है, वेंट्रली क्या है, वो कवर्ड है, ठीक है। वेंट्रली जब वो कवर है तो उस कवरिंग को पेरिटोनियम बोलते हैं हम, इन जनरल उसका नाम क्या है, पेरिटोनियम है, ठीक है। लेकिन उसे क्या बोलते हैं, एक स्पेशल नाम दिया जाता है, पल्मोनरी, पल्मोनरी एपो, पल्मोनरी एपो न्यूरोसिस, क्या बोलते हैं, एपोन्यूरोसिस, या फिर कॉमनली उसे क्या बोल देते हैं, प्लूरा बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, प्लूरा बोल देते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि जो लंग्स हैं बर्ड्स के अंदर जो लंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्या होते हैं, वो थोड़े सॉलिड होते हैं, मोर और लेस सॉलिड टाइप के होते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, वो लेस इलास्टिक होते हैं, वो लेस इलास्टिक होते हैं। नेक्स्ट बात हमने क्या देखी कि जो लंग्स हैं वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, प्लूरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन जो लंग्स है इनको कवर करने के लिए पेरिटोनियम नहीं होती है। डॉर्सल सरफेस की बात करें, डॉर्सल सरफेस के अंदर जो पेरिटोनियम है वो वहां पर नहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जो रिब्स हैं, जो रिब्स हैं और जो क्या है वर्टिबल कॉलम है, रिब्स और वर्टिबल कॉलम की वजह से क्या होता है, जो लंग्स हैं वो थोड़े प्रेस्ड रहते हैं, वो थोड़े प्रेस्ड रहते हैं, ठीक है। लेकिन वेंट्रली जो लंग्स हैं इनको पेरिटोनियम कवर करती है, और उस पेरिटोनियम को हम क्या नाम देते हैं, उन्हें बोलते हैं हम पल्मोनरी एपोन्यूरिस या फिर प्लूरा बोल देते हैं, ठीक है बेटे। इतनी बात समझ आई, ये था लंग्स के बारे में, ये था लंग्स के बारे में, ठीक है। और जो प्लूरल कैविटी है उसको एब्डोमिनल कैविटी से कौन अलग करता है, उसे एक ऑब्लिक सेप्टम, ऑब्लिक सेप्टम जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, वो क्या करता है, पल्मोनरी कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखें, अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे एयर सैक्स के बारे में, एयर सैक्स के बारे में, ठीक है। अब ध्यान से बात सुने कि जो लंग्स हैं, जो लंग्स हैं बर्ड के अंदर, ये क्या है, ये लंग्स हैं, ठीक है। ये जो दोनों आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, एक ये स्ट्रक्चर और एक ये स्ट्रक्चर, ये क्या है, लंग्स होते हैं, ठीक है। और जो लंग्स होते हैं वन पेयर होते हैं, एक पेयर के अंदर क्या होते हैं, लंग्स प्रेजेंट होते हैं। और जो लंग्स हैं, लंग्स हैं ये कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं किससे, एयर सैक्स से, एयर सैक्स से। जो लंग्स हैं ये कम्युनिकेट करेंगे एयर सैक्स से, ठीक है। अब एक बार ध्यान रखें, जो एयर सैक्स होते हैं, जो एयर सैक्स होते हैं बर्ड के अंदर या पिजन के अंदर, वो कितने होते हैं, वो 9 नंबर होते हैं, वो क्या होते हैं, 9 इन नंबर होते हैं, ठीक है। उनमें क्या देखा जाता है कि उनमें से जो चार हैं वो पेयर के फॉर्म में होते हैं, चार जो हैं वो पेयर के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और एक क्या होता है, सिंगल जो होता है वो मीडियन होता है, मीडियन एयर सैक होता है, ठीक है बेटे। क्या होते हैं, चार पेयर के फॉर्म में होते हैं और एक क्या होता है, मीडियन होता है। हम देखते हैं पोस्टेरियर साइड से एंटीरियर साइड की तरफ जो लंग्स हैं वो किस टाइप से अरेंज हैं, ठीक है। जो लास्ट जो हम लोग देख रहे हैं, जो लास्ट एयर सैक देख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं एब्डोमिनल एयर सैक, क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल एयर सैक। इसके बाद में जो दो एयर सैक आ जाते हैं, एक तो ये एयर सैक है, ठीक है, उसके बाद में ये जो दो एयर सैक्स हैं, ठीक है, जो पीछे वाला है इसे बोलते हैं पोस्टीरियर थोरेसिक एयर सैक, क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर थोरेसिक एयर सैक। और जो इसके आगे वाला है इसे क्या बोलेंगे, एंटीरियर थोरेसिक एयर सैक, क्या बोलेंगे इन्हें, एंटीरियर थोरेसिक एयर सैक, ये भी पेयर में होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो फोर्थ पेयर है, ये फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, और जो फोर्थ पेयर है वो कौन सी है, वो है सर्वाइकल एयर सैक्स की, वो क्या है, वो है सर्वाइकल एयर सैक्स की, ठीक है। जो सर्वाइकल एयर सैक्स होते हैं ये कहां पर होते हैं, डोर्सल सरफेस जो है, जो है रूफ जो होती है बेसिकली नेक की, जो नेक की सर्वाइकल वर्टिब्रिज, नेक की वर्टिब्रिज को बोलते हैं, ठीक है। तो नेक के अंदर, डोर्सल सरफेस के अंदर क्या पाए जाते हैं, सर्वाइकल एयर सैक्स पाए जाते हैं, ठीक है। और बॉडी के साइड के अंदर, बॉडी की साइड्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, थोरेसिक एयर सैक्स पाए जाते हैं। और एब्डोमिनल एयर सैक्स जो हैं, ये एब्डोमिनल रीजन के अंदर जहां पर क्या होती है, इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है, ठीक है, इंटेस्टाइन की कॉइलिंग प्रेजेंट होती है, वहां पर क्या होते हैं, एब्डोमिनल एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखें, जो एयर सैक्स हैं, जो एयर सैक्स हैं वो बेसिकली है क्या, वो ब्रोंकस के ही, वो क्या है, ब्रोंकस के ही डायलेशन हैं, जैसे को हम आगे पढ़ने वाले हैं। जो ये है ब्रोंकस, ब्रोंकस आगे जाके क्या हो रहा है, डायलेट हो रहा है, क्या हो रहा है, डायलेट हो रहा है। और एयर सैक्स क्या है, बेसिकली ब्रोंकस के ही डायलेशन हैं, हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं
कि जो एयर सैक्स होते हैं ये काफी ज्यादा थिन वॉल्ड होते हैं। ये क्या होते हैं? थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं? ये डिस्टेंसिबल होते हैं, डिस्टेंसिबल होते हैं। ये क्या होते हैं? इलास्टिक होते हैं। इसके पास में क्या होती है? कुछ एक न्यूरॉन्स की सप्लाई होती है, ठीक है, और ब्लड सप्लाई भी इनके पास होती है। इनके पास ब्लड सप्लाई और न्यूरॉन की सप्लाई होती है, ठीक है। जो इनर वॉल से जो एयर सैक्स हैं वो इंटीरियरली, ठीक है, इंटीरियरली उन्हें कवर कौन कर रहा है? उन्हें कवर करता है स्क्वैमस एपिथेलियम। कौन कवर करता है? स्क्वैमस एपिथेलियम जो है इसे कवर करते हैं इंटीरियरली अंदर की तरफ से, ठीक है। और इसको सपोर्ट कौन करता है? कनेक्टिव टिश्यू। क्या करता है? कनेक्टिव टिश्यू जो है इसे कौन करता है? सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये था बेसिकली एयर सैक्स के बारे में। इसके बाद में हम लोग कुछ और जानकारी देखते हैं एयर सैक्स के बारे में और ब्रोंकियल इंटरकॉम के बारे में। तो बेटे हम पढ़ रहे हैं एयर सैक्स के बारे में। एयर सैक्स जो होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? हमने पढ़ा कि 9 एयर सैक्स होते हैं, ठीक है। उनमें से 4 होते हैं वो पेयर के अंदर होते हैं और एक जो होता है वो मेडियन होता है, ठीक है। उनमें से जो 4 होते हैं अगर हम उनकी पोजिशन की बात करें और उनके नाम की बात करें तो वो क्या होते हैं? पीछे से पोस्टीरियर साइड से एंटीरियर साइड की तरफ कौन कौन से होते हैं? सबसे लास्ट वाला जो एयर सैक है उसे हम बोलते हैं एब्डोमिनल एयर सैक, जो कहां पर होता है? इंटेस्टाइन की कोइलिंग के पास में होता है, ठीक है। और जो उसके बाद में एयर सैक है जो कि पेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो है पोस्टीरियर एयर सैक, पोस्टीरियर थोरेसिक एयर सैक एंड एंटीरियर थोरेसिक एयर सैक, ठीक है। ये दोनों जो एयर सैक होते हैं ये क्या होते हैं? पेयर के अंदर होते हैं, ठीक है। और ये जो प्रेजेंट होते हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ये बॉडी के साइड वॉल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट एयर सैक होते हैं पेयर के अंदर वो कौन से होते हैं? वो होते हैं सर्वाइकल एयर सैक, जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? नेक की रूफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये थे 4 एयर सैक जो कि पेयर के अंदर होते हैं, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिए कि जो लास्ट वाले 2 एयर सैक्स हैं कौन कौन से? एब्डोमिनल एयर सैक और पोस्टेरियर थोरेसिक एयर सैक। ये दो जो हैं, ये दो दोनों एयर सैक्स हैं ये क्या होते हैं? इंस्पिरेशन के दौरान, ये जो दोनों एयर सैक हैं ये दोनों इंस्पिरेशन के दौरान फूलते हैं। ये क्या होते हैं? इंस्पिरेशन के दौरान फूलते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं? बोलते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं इंस्पिरेटरी एयर सैक्स। क्या बोलते हैं? इंस्पिरेटरी एयर सैक्स, इंस्पिरेटरी एयर सैक्स, ठीक है। लेकिन जो बाकी दो या जो बाकी एयर सैक्स हैं, जो बाकी एयर सैक्स हैं ये क्या होते हैं? इंस्पिरेशन के दौरान सिकुड़ जाते हैं, कॉन्टेक्ट कर जाते हैं। ये क्या होते हैं? कॉन्टेक्ट कर जाते हैं, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं एक्सपिरेटरी एयर सैक्स। क्या बोलते हैं? एक्सपिरेटरी एयर सैक्स, ठीक है। ये जो जो पीछे वाले इन्हें बोलते हैं इंस्पिरेटरी और बाकी जो है इन्हें बोलते हैं एक्सपिरेटरी एयर सैक्स। अब एक बात और ध्यान रखिए, जैसा कि हमने देखा था कि ये 4 एयर सैक्स हैं, इनके बाद में जो एक मीडियन एयर सैक बचता है वो कौन सा होता है? उसे हम बोलते हैं इंटरक्लेविकुलर एयर सैक। क्या बोलते हैं? इंटरक्लेविकुलर एयर सैक बोलते हैं, ठीक है। अब जो इंटरक्लेविकुलर एयर सैक है ये क्या होता है? इसे मीडियन एयर सैक भी बोलते हैं, इसे बोलते हैं मीडियन एयर सैक भी बोलते हैं, ठीक है। इसे मीडियन एयर सैक भी बोलते हैं। और जो मीडियन एयर सैक है, ध्यान से बात सुनिए, ये जो मीडियन एयर सैक है, ये जो मीडियन एयर सैक है ये पूरा क्या है? यहां से लेकर यहां तक ये क्या है? ये मीडियन एयर सैक है, ठीक है। जो मीडियन एयर सैक है ये लंग्स से कम्युनिकेट करता है थ्रू ऑस्टिया, लंग्स से कम्युनिकेट करता है थ्रू ऑस्टिया, ठीक है। इतनी बात समझ आई? अब देखिए जो मिडल जो है एयर सैक है, जो मीडियन एयर सैक है जिसे हम बोलते हैं इंटरक्लेविकुलर एयर सैक, ये क्या करता है? ये ब्रांचिंग देता है। ये क्या करता है? एक डाइवर्टिकुलम टाइप से, डाइवर्टिकुलम क्या होता है कि एक ब्लाइंड ट्यूब होती है, ठीक है। उस टाइप से क्या करता है? एक आउटग्रोथ करता है। क्या करता है? आउटग्रोथ को प्रोड्यूस करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्लेविकुलर एयर सैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लेविकुलर एयर सैक। समझ आई बात? मतलब जो मीडियन एयर सैक है ये क्या करेगा? एक डाइवर्टिकुलम को प्रोड्यूस करेगा, उसे हम क्या बोलते हैं? क्लेविकुलर एयर सैक, या फिर आर्म पिट, आर्म पिट, या फिर एक्सिलरी, एक्सिलरी एयर सैक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सिलरी एयर सैक बोलेंगे, ठीक है। अब ध्यान से बात सुनिए, एक तरफ क्या करता है? एंटीरियर साइड के अंदर क्लेविकुलर एयर सैक का फॉर्मेशन करता है और दूसरी तरफ पोस्टीरियर साइड के अंदर जो मीडियन एयर सैक है, इसी की बात कर रहे हैं, जो पोस्टीरियर साइड के अंदर क्या करता है? एक और ब्रांचिंग देता है, उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा क्लेविकुलर एयर सैक। उसे हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा क्लेविकुलर एयर सैक बोलते हैं, ठीक है। जो एक्स्ट्रा क्लेविकुलर एयर सैक है ये आगे जाकर किसके अंदर खुलता है? ये ह्यूमोरल
ये किसके अंदर खुलता है? ये खुलता है ह्यूमरल एयर सैक के अंदर। कहां पर खुलता है ये? ह्यूमरल एयर सैक के अंदर खुलता है। ठीक है, दोबारा से देखते हैं हम, जो मीडियन एयर सैक है ये कहां पर, ये क्या करता है? अपनी दो ब्रांचिंग देता है, उनमें से सामने वाली जो आगे वाली ब्रांचिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं? क्लेविकुलर एयर सैक बोलते हैं, जिसे हम एक्सिलरी या फिर आर्मपिट भी बोल सकते हैं, आर्मपिट जो एयर सैक है वो बोल सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट ब्रांचिंग है उसे क्या बोलते हैं हम? उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा क्लेविकुलर एयर सैक। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा क्लेविकुलर एयर सैक। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा क्लेविकुलर एयर सैक है ये कहां पर जाके खुलता है? ये खुलता है ह्यूमरल एयर सैक के अंदर। कहां पर खुलता है? ह्यूमरल एयर सैक के अंदर। और जो ह्यूमरल एयर सैक है, ध्यान से बात सुनिए, जो ह्यूमरल एयर सैक है, ह्यूमरल एयर सैक कम्युनिकेट करता है न्यूमेटिक बोन्स से। किससे कम्युनिकेट करता है? न्यूमेटिक बोन्स से ये क्या करता है? कम्युनिकेट करता है। ठीक है, अब सुनिए, ये था इसके अंदर बेसिकली एयर सैक्स और उनका अरेंजमेंट, कि एयर सैक्स जो होते हैं वो किस टाइप से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसकी पल्मोनरी कैविटी की। इसकी पल्मोनरी कैविटी की, ठीक है, हमने थोड़ी सी बात की थी कि जो ऑब्लिक सेप्टम होता है, जो कि एक टफ सेप्टम होता है, टफ मस्कुलर सेप्टम होता है, वो क्या करता है? पल्मोनरी कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है, सेपरेट करता है। ठीक है, अब ध्यान से बात सुनिए कि जो पल्मोनरी कैविटी है जिसके अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वहां पर क्या होता है? वेंट्रल साइड से जो वेंट्रल सरफेस होती है लंग्स की, ठीक है, लंग्स की वेंट्रल सरफेस होती है, इस डायग्राम के अंदर नहीं समझ पाएंगे लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं कि जो लंग्स की वेंट्रल सरफेस है, अगर हम इसको इस टाइप से उठा दें, ठीक है, इस टाइप से घुमा दें, तो लंग्स की जो वेंट्रल सरफेस है, जो लंग्स की वेंट्रल सरफेस है, वहां पर एक सेप्टम पाया जाता है, वहां पर एक सेप्टम पाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ऑब्लिक सेप्टम। क्या बोलते हैं? ऑब्लिक सेप्टम बोलते हैं। ठीक है, ऑब्लिक सेप्टम एंटीरियरली क्या करता है? ग्रोथ करता है। ऑब्लिक सेप्टम जो होता है एंटीरियरली ग्रोथ करता है, ठीक है, और उसके साथ में वो क्या करता है? साइड वॉल्स उसकी क्या होती हैं? साइड वॉल्स भी निकलती हैं। वो क्या था? वेंट्रल तो था ही, ठीक है, वेंट्रल के बाद में जो साइड वॉल्स होती हैं वो क्या करती हैं? वो पोस्टीरियर थोरेसिक एयर सैक्स जो हैं, जो पोस्टीरियर थोरेसिक एयर सैक्स हैं, इन्हें भी क्या कर लेते हैं? कवर कर लेते हैं। समझ आई बात? मतलब जो ऑब्लिक सेप्टम है वो क्या कर रहा है? वेंट्रल सरफेस लंग्स की, ठीक है, और उसके साथ में जो थोरेसिक एयर सैक्स हैं, जो थोरेसिक एयर सैक्स हैं, इनको पूरी तरह से क्या कर लेता है? कवर कर लेता है, और डॉर्सल मीडियल लाइन की तरफ क्या करते हैं? उसकी जो दोनों फ्लैप होते हैं वो क्या आके मिल जाते हैं, ठीक है, वो दोनों आके मिल जाते हैं। तो इस टाइप से होता क्या है कि जो पल्मोनरी कैविटी है, जो पल्मोनरी कैविटी है वो एब्डोमिनल कैविटी से अलग हो जाती है। जो पल्मोनरी कैविटी है वो एब्डोमिनल कैविटी से अलग हो जाती है, ठीक है, और एब्डोमिनल कैविटी के अंदर फिर क्या रह जाता है, हम लोग उसकी बात करें, ठीक है। पहले हम बात करते हैं कि जो पल्मोनरी कैविटी है उसके अंदर क्या कुछ आ जाता है। उसके अंदर जो लंग्स हैं बेसिकली ये आ जाते हैं, ठीक है, और ये जो थोरेसिक एयर सैक्स हैं ये आ जाते हैं। अब जो चीजें बच गई वो कहां पर आ जाएंगी? वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आ जाएंगी। कहां पर आ जाती हैं? वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या कुछ चीजें बच गई? जो एब्डोमिनल एयर सैक्स हैं, एब्डोमिनल एयर सैक्स हैं, ये कहां पर रह गए? ये बाकी पीछे की तरफ रह गए, ठीक है, ये क्या रह गए? पीछे की तरफ रह गए, जिन्हें ऑब्लिक सेप्टम ने अपने साथ में नहीं लिया या फिर इन्हें इनसर्कल नहीं किया, ठीक है। इसके बाद में जो इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये भी क्या है? एब्डोमिनल एयर सैक्स के साथ में ही पीछे रह जाते हैं, ठीक है। इसके साथ में जो ऑब्लिक सेप्टम है, ध्यान से बात सुनिए, ऑब्लिक सेप्टम जो है, जो जब आगे की तरफ ग्रोथ करता है तो वो क्या करता है? पेरिकार्डियम को भी बाहर छोड़ देता है। तब वो पेरिकार्डियम के एक्चुअल के अंदर कवरिंग है हार्ट की, ठीक है, उसे भी बाहर छोड़ देता है, और उसे भी फिर हम क्या करते हैं? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर इंक्लूड करते हैं। क्या करते हैं? उसे भी हम एब्डोमिनल कैविटी के अंदर इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि जो ऑब्लिक सेप्टम है वो क्या करता है, किस टाइप से एब्डोमिनल कैविटी को, जो इसकी पल्मोनरी कैविटी है, उससे अलग करता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ब्रोंकियल इंटरकॉम। क्या देखते हैं? ब्रोंकियल इंटरकॉम। ब्रोंकियल इंटरकॉम एक्चुअल के अंदर ब्रोंकियल इंटरकॉम है क्या? कि जो लंग्स हैं, ठीक है, इनके अंदर, ध्यान से बात सुनिए, ब्रोंकियल इंटरकॉम एक्चुअल के अंदर क्या है? हम शुरू से बात करते हैं कि जो ट्रैकिया है, जो
ट्रैकिया है, ये क्या करता है, पोस्टेरियर साइड की तरफ क्या करता है, आउटग्रोथ करता है। आउटग्रोथ करके क्या करता है, सेरिंग्स की फॉर्मेशन करता है। ये जो बल्ज पार्ट है ये क्या है, ये सेरिंग्स है, ठीक है। और सेरिंग्स के बाद में ये क्या कर जाता है, बाइफरकेट कर जाता है ट्रैकिया, और क्या बनाता है, प्राइमरी ब्रोंकस का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, प्राइमरी ब्रोंकस का फॉर्मेशन करता है, जिसके अंदर रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, जिसके अंदर रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। अब ध्यान से बात सुनिए, जब प्राइमरी ब्रोंकस अपनी अपनी साइड के लंग के अंदर एंटर करते हैं, जब प्राइमरी ब्रोंकस अपनी अपनी साइड के लंग के अंदर एंटर करते हैं, तब क्या होता है, तब उनकी जो रिंग्स होती हैं, जब उनकी कार्टिलेजर रिंग जो होती हैं, कार्टिलेजिनस जो रिंग्स होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, मतलब वो सिर्फ बार बार प्रेजेंट होती हैं, अंदर नहीं होती हैं, ठीक है। तो बिना कार्टिलेजिनस रिंग के जो आगे ब्रांच होती है, जो बिना कार्टिलेजिनस रिंग के ये जो ट्यूब बच जाती है, उसे हम बोलते हैं मीजोब्रोंकस। क्या बोलते हैं, मीजोब्रोंकस, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे, उसे बोलते हैं मीजोब्रोंकस, ठीक है। इससे पहले हमें समझना होगा कि ब्रोंकियल इंटरकॉम वर्ड का मतलब क्या है। ध्यान से बात सुने कि जो प्राइमरी ब्रोंकस है, जब ये लंग्स के अंदर एंट्री करता है, तो काफी ज्यादा इसके अंदर क्या होते हैं, रिपीटेड डिवीजन होते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर, काफी ज्यादा रिपीटेड डिवीजन होते हैं, ठीक है। काफी ज्यादा ब्रांचिंग होती है, और उस नेटवर्क को क्या बोलते हैं हम, उस नेटवर्क को जो कि ब्रांचिंग के कारण प्रोड्यूस हुआ है, उसे हम बोलते हैं ब्रोंकियल इंटरकॉम। क्या बोलते हैं उसे, उसे बोलते हैं ब्रोंकियल इंटरकॉम, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो मेसोब्रोंक है, जो मेसोब्रोंकस है, जो कि बिना कार्टिलेजिनस रिंग के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या होती है, ये कहां पर है, एक्चुअल के अंदर, ये इस कैविटी के अंदर, ये जो खाली जगह है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, वेस्टिब्यूल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, वेस्टिब्यूल के अंदर एंटर किया है इसने, ठीक है। ये कहां पर है एक्चुअल के अंदर, मेसोब्रोंकस जो है ये कहां पर है, ये वेस्टिब्यूल के अंदर है, ठीक है। अब ध्यान से बात सुने, जो ये ट्यूब है, ये जो मेसोब्रोंकस है, ये आगे जाकर डिवाइड हो जाता है, ये आगे जाकर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। यहां पर ध्यान से देखिए, हम लोग क्या करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो ट्यूब है, ये क्या हो जा रही है, आगे जाकर पोस्टीरियर साइड की तरफ जाकर क्या हो रही है, दो के अंदर डिवाइड हो रही है, ठीक है, दो ट्यूब्स के अंदर डिवाइड हो रही है। और दोनों जो ट्यूब्स हैं वो क्या हो रही हैं, एक तो पोस्टीरियर थोरेसिक एयर सैक के अंदर एंट्री कर रही है, और जो दूसरी है वो क्या कर रही है, एब्डोमिनल एयर सैक के अंदर एंट्री कर रही है, ठीक है। और हमने शुरू के अंदर बात की थी कि जो एयर सैक्स हैं, ये क्या है एक्चुअल के अंदर, ये एक्सपांशन से ही है, किसके, इन ब्रोंकाई के, किसके, इन ब्रोंकस के एक्सपांशन ही है जो क्या है, एयर सैक्स है, ठीक है। तो यहां से हमें पता चलता होगा कि यहां पर जो ये ट्यूब्स हैं, ये आगे जाकर क्या कर रही हैं, इन एयर सैक्स का फॉर्मेशन कर रही हैं, क्या कर रही हैं, इन एयर सैक्स का फॉर्मेशन कर रही हैं, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखें कि इसे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट डायग्राम के अंदर समझने की ट्राई करते हैं ब्रोंकियल इंटरकॉम को। तो बेटे ब्रोंकियल इंटरकॉम को हम लोग इस डायग्राम में समझने की ट्राई करते हैं, ठीक है। क्या होता है कि मेन जो प्राइमरी ब्रोंकस होता है, वो आगे जाकर मेनली ये टू ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और उनमें से जो एक ब्रांच है वो क्या करती है, जो एयर सैक है उसका फॉर्मेशन करती है, ठीक है। कौन सा, एब्डोमिनल एयर सैक का फॉर्मेशन करती है। एंड जो सेकंड ब्रांच है, वो क्या है, वो पोस्टीरियर थोरेसिक एयर सैक का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। इस टाइप से उसके अंदर एंट्री करती है। अब देखिए, ये तो है, ये है प्राइमरी ब्रोंकस की मतलब मेन ब्रांचिंग, ठीक है। इसके अलावा लैटरल साइड के अंदर, इस मेन ब्रांचिंग के अलावा लैटरल साइड के अंदर भी क्या होती रहती है, इसकी ब्रांचिंग होती रहती है, ठीक है। साथ साथ में क्या होती रहती है, इसकी ब्रांचिंग होती रहती है। और ब्रांचिंग होके ये क्या बनाती है, ये बनाती है डोर्सो एक्टोब्रोंकाई, और जो नेक्स्ट टाइप है वो बनाती है वेंट्रो एंडोब्रोंकाई। क्या करती है, यहाँ पर ये जो सेकेंडरी ब्रांचिंग हुई है, इसे हम लोग बोल देते हैं सेकेंडरी ब्रोंकस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकस बोल देते हैं, ठीक है। जो सेकेंडरी ब्रोंकस होता है, बेसिकली ये क्या करता है, आगे जाकर डिवाइड होता है और क्या बनाता है, डोर्सो एक्टोब्रोंकाई बनाता है और वेंट्रो एंडोब्रोंकाई बनाता है। ध्यान से बात सुनिए, ये जो सेकेंडरी ब्रोंकस है, इसकी जो ब्रांचिंग है, ये आगे जाकर क्या करती है, डोर्सो एक्टोब्रोंकाई बनाती है और वेंट्रो एंडोब्रोंकाई बनाती है, ठीक है। इसे हम सिंपल डायग्राम की हेल्प से समझना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं कि मान लीजिए ये क्या है, ये डोर्सो एक्टोब्रोंकाई है, और नीचे वाला ये क्या है, ये है वेंट्रो एंडोब्रोंकाई, ये डोर्सो एंडोब्रोंकाई है, ठीक है। और ये क्या है, वेंट्रो एंडोब्रोंकाई है, ठीक है। अब ध्यान से बात सुनिए, जो डोर्सो और वेंट्रो एंडोब्रोंकाई है, ये आपस में जुड़े रहते हैं,
ये क्या होते हैं, आपस में कनेक्टेड रहते हैं। किस टाइप से? इस टाइप से, जो एंडोब्रोंकाई है ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं इस टाइप से, ठीक है, कनेक्टेड रहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग पैराब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? पैराब्रोंकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराब्रोंकाई। पैराब्रोंकाई, जो पैराब्रोंकाई है, ध्यान से बात सुने, ये जो जुड़े रहते हैं इसे क्या बोल देते हैं? पैराब्रोंकाई बोल देते हैं। और जो पैराब्रोंकाई है वो खुद क्या होती है? इस टाइप से डिवाइडेड होती है। वो खुद क्या होती है? इस टाइप से डिवाइडेड होती है, ठीक है। और डिवाइड होकर क्या बनाती है? एयर कैपिलरीज बनाती है। क्या बनाती है? एयर कैपिलरीज। ये लास्ट डिवाइडिंग थे इसकी। क्या बनाती है? एयर कैपिलरीज बनाती है। समझ आई नहीं बात? ठीक है, मतलब जो सेकेंडरी ब्रोंकस है, जो सेकेंडरी ब्रोंकस है वो आगे जाके क्या बनाता है? डॉर्सो एक्टोब्रोंकाई और वेंट्रो एंडोब्रोंकाई बनाता है, ठीक है। और जो ये दोनों हैं, डॉर्सो एक्टोब्रोंकाई और वेंट्रो एंडोब्रोंकाई जो है, ये आपस में जुड़े रहते हैं पैराब्रोंकाई के थ्रू। ये आपस में जुड़े रहते हैं पैराब्रोंकाई के थ्रू, ठीक है। और जो पैराब्रोंकाई है, जो पैराब्रोंकाई है वो एक्चुअल के अंदर क्या होता है? खुद डिवाइड होता है एयर कैपिलरीज के अंदर, या फिर उसे बोल देते हैं हम ब्रोंकियोल्स। क्या बोल सकते हैं हम उसे? उसे बोल सकते हैं ब्रोंकियोल्स, ठीक है बेटे। इस टाइप से डिवाइड होती है। अब देखिए, और जो मेनली जो लंग्स है, जो मेनली लंग है वो पैराब्रोंकाई से ही भरा रहता है। उसके अंदर मेनली जो स्ट्रक्चर पाई जाती है वो कौन सी होती है? वो पैराब्रोंकाई ही होती है। जो किससे बनती है? जो कि डॉर्सो एक्टोब्रोंकाई और वेंट्रो एंडोब्रोंकाई के क्या मिलने से बनती है, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखिए कि जो एयर सैक्स होते हैं, जो एयर सैक्स होते हैं ये लंग्स के एडजेसेंट पार्ट से, ये लंग्स के एडजेसेंट पार्ट से जुड़ने के लिए क्या करते हैं? कुछ एक और ब्रांचिंग करते हैं। ये कुछ एक और ब्रांचिंग करते हैं जिसे क्या बोलते हैं? रिकरेंट ब्रोंकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकरेंट ब्रोंकाई बोलते हैं, ठीक है। एक तो मेन ब्रांचिंग है जो कि ब्रोंकस की आ रही है, जिसने क्या किया है? इन एयर सैक का फॉर्मेशन किया है। इसके अलावा लंग्स के किसी और पार्ट से कम्युनिकेट करने के लिए जो एयर सैक है वो काफी ज्यादा ब्रांचिंग बनाते हैं, उसे बोलते हैं रिकरेंट ब्रोंकाई, ठीक है बेटे। तो ये क्या था बेसिकली? ये था ब्रोंकियल इंटरकॉम का सिस्टम, ठीक है, जो कि लंग्स के अंदर कैसे होता है। अब हम लोग समझने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कैसे होता है। अब हम लोग समझेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ध्यान से बात सुनिए, जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है वो दो टाइप से होता है बर्ड्स के अंदर, एक तो रेस्ट पोजिशन के अंदर और एक फ्लाइट के अंदर, ठीक है। इन दोनों के अंदर क्या है, हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, हमें इन दोनों के बीच में, एट द रेस्ट और जो है फ्लाइट के दौरान, हमें इनके बीच में एक डिफरेंस देखने को मिलता है। हम लोग देखते हैं एक्चुअल के अंदर जो फर्स्ट कंडीशन होती है, जिसके अंदर की ड्यूरिंग रेस्ट बर्ड्स ब्रीदिंग कैसे करते हैं, ड्यूरिंग रेस्ट बर्ड्स ब्रीदिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से बात सुनिए, यहाँ पर ये जो डायग्राम है ये क्या कर रहा है, ये किस चीज को शो कर रहा है? ये जो इतनी कंडीशन है, इतना जो पार्ट है, ये लंग्स को शो कर रहा है, ये लंग्स को शो कर रहा है, ठीक है। ये जो लास्ट वाले जो आपको बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये क्या है? ये क्या है पोस्टीरियर थोरेसिक एयर सैक और जो एब्डोमिनल एयर सैक है उसको शो कर रहा है। मतलब ये किसको शो कर रहा है? ये इंस्पिरेटरी एयर सैक्स को शो कर रहा है। इसको शो कर रहा है इंस्पिरेटरी एयर सैक्स को शो कर रहा है, ठीक है। बेसिकली पोस्टीरियर साइड वाले जो एयर सैक है उन्हें क्या कर रहा है, ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है ये आपको शो कर रही है, ठीक है। और ये जो है, जो मेन ट्यूब है, ये किसको शो कर रहा है? ये ब्रोंकस को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? ब्रोंकस को, या फिर ब्रोंकाई को शो कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, जो आगे वाले हैं, ये जो हैं, ये हैं एंटीरियर एयर सैक्स है, ठीक है। एंटीरियर एयर सैक्स जो है वो आगे वाले, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसको शो कर रही है, ठीक है। और लंग्स के अंदर ये जो कंडीशन बनी है ये है पैराब्रोंकाई। ये क्या है? पैराब्रोंकाई, ठीक है। अब ध्यान से बात सुनिए, जब नॉर्मल कंडीशन होती है तब हमें पता है कि जो पोस्टेरियर साइड वाले एयर सैक हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी एयर सैक्स। क्या बोलते हैं? इंस्पिरेटरी एयर सैक्स। और जो एंटीरियर वाले हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्सपिरेटरी एयर सैक्स। क्या बोलते हैं? एक्सपिरेटरी एयर सैक्स बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान से बात सुनिए कि जब नॉर्मल कंडीशन होती है, बर्ड जब रेस्ट कर रहा होता है, तब जो एयर है वो कहां पर जाती है? इस प्राइमरी ब्रोंकस, मेन ब्रोंकस के थ्रू होती हुई कहां तक जाती है? इन जो पोस्टीरियर एयर सैक्स हैं, जो पोस्टीरियर एयर सैक्स हैं इनके अंदर आ जाती है। शुरू के अंदर जो बर्ड के अंदर ब्रीदिंग का मैकेनिज्म है ये टू साइकिल्स के अंदर कंप्लीट होता है। ये क्या होता है? टू साइकिल्स के अंदर कंप्लीट होता है।
ये टू साइकल्स के अंदर कंप्लीट होता है। ठीक है, फर्स्ट साइकिल के अंदर एक्सप्रेशन और इंस्पिरेशन होता है, और उसी टाइप से सेकंड साइकिल के अंदर भी क्या होता है, इंस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन होता है। अब ध्यान से बात सुने, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट साइकिल की। फर्स्ट साइकिल के अंदर इंस्पिरेशन कैसे होता है कि नॉर्मली जब बर्ड ड्यूरिंग रेस्ट होता है, तब वो क्या करता है, अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, उसके अंदर स्टर्नम की जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, और रिब केज जो होता है वो भी क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होता है, वो इस टाइप से उनकी जो मसल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट करती हैं कि जो कैविटी है, जो थोरेसिक कैविटी है, इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो अंदर क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है, और प्रेशर कम होने के कारण जो एनवायरमेंट है वहां से एयर जो है, फ्रेश एयर, वो कहां पर एंट्री करती है, वो इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एंटर करती है। ठीक है, अब एयर जो है उसका होता क्या है, बेसिकली फर्स्ट साइकिल के फर्स्ट इंस्पिरेशन के अंदर हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट साइकिल के फर्स्ट इंस्पिरेशन के मेनली होता क्या है कि जो ब्रोंकस है, यहाँ से जो एयर है कहाँ तक जाती है, कुछ एक पार्ट एयर का कहाँ तक जाता है, पैरा ब्रोंकाई तक चला जाता है। कहाँ तक चला जाता है, पैरा ब्रोंकाई तक चला जाता है, क्योंकि वो पहले लंग्स का रीजन होती है। ठीक है, हमने डायग्राम के अंदर देखा था कि पैरा ब्रोंकाई लंग्स के अंदर होती है। ठीक है, और एयर सैक्स नीचे वाले पोर्शन के अंदर होते हैं। तो वहां से क्या होता है कि कुछ एक पोर्शन जो है पैराब्रोंकाई के अंदर एयर का चला जाता है, वहां से जो फ्रेश एयर होती है, वहां से जो फ्रेश एयर होती है उसका एक्सचेंज हो जाता है फॉल एयर के साथ में। ठीक है, CO2 रिच एयर के साथ में। अब फिर क्या होता है, उसी दौरान जो बाकी एयर थी, जो बाकी फ्रेश एयर थी, वो कहां पर चली गई, वो पोस्टीरियर एंड जो पोस्टीरियर एयर सैक्स हैं उनके अंदर चली गई। ठीक है, तो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन जो पोस्टीरियर एयर सैक्स हैं ये क्या करते हैं, एक्सपांड करते हैं। ये क्या करते हैं, एक्सपांड करते हैं। ठीक है, ये था इंस्पिरेशन ड्यूरिंग फर्स्ट साइकिल। अब हम लोग देखते हैं एक्सपिरेशन, हम लोग देखते हैं एक्सपिरेशन ड्यूरिंग फर्स्ट साइकिल। उसके अंदर क्या होता है कि जब मसल्स कॉन्टेक्ट करती हैं और रिब केज जब छोटा होता है, ठीक है, बर्ड के अंदर, तब क्या होता है, अंदर प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। क्या होता है, वॉल्यूम सॉरी कम होने से क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है। तो तब वहां पर क्या होता है कि जो एयर सैक्स है, ध्यान से बात सुने, ये जो पोस्टीरियर एयर सैक है, पोस्टीरियर एयर सैक तब क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं। तब ये क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं। तब ये क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं। और कॉन्टैक्ट करने के कारण यहां से जो एयर है, जो पोस्टीरियर एयर सैक है, यहां से जो फ्रेश एयर, क्योंकि ये एयर यूज नहीं हुई थी, ठीक है, ये एयर कहाँ तक जाती है, ये पैरा ब्रोंकाई के अंदर चली जाती है, जो बेसिकली लंग्स के अंदर चली जाती है। ठीक है, ये था फर्स्ट साइकिल, ये था बेसिकली फर्स्ट साइकिल। अब हम लोग देखते हैं सेकंड साइकिल। अब हम लोग देखते हैं सेकंड साइकिल के अंदर इंस्पिरेशन होगा, उसके अंदर क्या होगा। ठीक है, ध्यान से बात सुने कि उसी डायग्राम के अंदर हम समझने की ट्राई कर रहे हैं कि जो सेकंड साइकिल है उसके अंदर जब इंस्पिरेशन होगा, जब सेकंड साइकिल के अंदर इंस्पिरेशन होगा, तब जो मेन एयर है वो कहाँ तक चली जाएगी, वो पोस्टीरियर एयर सैक के अंदर चली जाएगी। ठीक है, और वो क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे, क्योंकि इनको क्या बोलते हैं हम लोग, इंस्पिरेटरी एयर सैक्स बोलते हैं। और ये क्या करेंगे, तब एक्सपांड कर जाएंगे, क्योंकि मेन एयर जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एयर क्यों आएगी, क्योंकि जो पहले वाली एयर थी ड्यूरिंग एक्सपिरेशन ऑफ फर्स्ट साइकिल, वो कहाँ पर चली गई थी, वो चली गई थी इन पैराब्रोंकाई के पास में, या फिर लंग्स के पास में, तब ये खाली हो गए थे। और ड्यूरिंग सेकेंड साइकिल जो इंस्पिरेशन होता है, तब एयर यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, अब ध्यान से बात सुने। ठीक है, जब होता है एक्सपिरेशन, जब होता है एक्सपिरेशन ड्यूरिंग सेकेंड साइकिल, तब वहां पर क्या होता है कि इंस्पिरेशन के दौरान एक बात और होती है सेकेंड साइकिल के अंदर, कि जो यहां से एयर है, जो लंग्स से एयर है, ये कहां तक आ जाती है। अब देखिए, इंस्पिरेशन के दौरान ये जो एंटीरियर एयर सैक्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, इंस्पिरेशन सेकेंड साइकिल के अंदर ये क्या कर रहे हैं, एक्सपांड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, फिर एक्सपांड हो जाएंगे, समझ आ रही बात, ये क्या हो जाएंगे, एक्सपांड हो जाएंगे। और ड्यूरिंग एक्सपिरेशन क्या होगा, ये जो है, ध्यान से बात सुने, ये जो ड्यूरिंग एक्सपिरेशन क्या होगा कि यहां से जो एयर है, यहां से जो एयर है वो क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी, यहां से जो एयर है वो बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग दोबारा समझते हैं कि ये जो साइकिल है बर्ड के अंदर, जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है, ये टू साइकिल्स के अंदर होता है, ये टू साइकिल्स के अंदर होता है। ठीक है, हर एक साइकिल के अंदर अपना इंस्पिरेशन होता है और अपना एक्सपिरेशन होता है। ठीक है, तो समझने की ट्राई करते हैं कि जो फर्स्ट इंस्पिरेशन होता है, फर्स्ट साइकिल के दौरान जो इंस्पिरेशन होता है, तब जो एयर होती है वो पोस्टीरियर एयर सैक के पास में जाती है। ठीक है, और कुछ एक एयर जो होती है वो लंग्स के पास में चली जाती है। उसके बाद में जब एक्सपिरेशन होता है, ध्यान से बात सुनिए, जब एक्सपिरेशन होता है तब जो एयर है, एक्सप्रेशन फर्स्ट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट साइकिल के दौरान जो एक्सप्रेशन होता है, तब जो एयर होती है, तब वो मेनली जो पोस्टीरियर सैक्स हैं,
वहां से कहां जाती है, वहां से वो लंग्स के पास में चली जाती है, ठीक है। और उसके बाद में जब इंस्पिरेशन होता है सेकंड, जब इंस्पिरेशन होता है सेकंड, इंस्पिरेशन सेकंड के दौरान क्या होता है, ये जो एंटीरियर एंटीरियर एयर सैक है, ये जो एंटीरियर एयर सैक्स हैं, ये क्या होते हैं सेकंड इंस्पिरेशन के दौरान में फूल जाते हैं, ठीक है। और जब एक्सपिरेशन होता है, जब एक्सपिरेशन होता है तब जो एयर है यहां से बाहर चली जाती है। और एक चीज और होती है एक्सपिरेशन के दौरान कि यहां से जो एयर है वो कहां तक चली जाती है, लंग्स के साथ में चली जाती है, ठीक है। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि जो एयर है वो लगातार कौन सी एयर आ रही है, यहां पर फ्रेश एयर आ रही है, जो लंग्स है यहां पर फ्रेश एयर लगातार आ रही है, क्योंकि फर्स्ट के दौरान क्या हुआ कि इंस्पिरेटरी जो पोस्टीरियर एयर सैक है इन्होंने एयर को कंजर्व किया, ठीक है, और एक्सपिरेशन के दौरान इनको भेज दी। और उसके बाद में जब सेकंड क्या हुआ इंस्पिरेशन हुआ, तब जो एयर थी यहां से वो इस तरफ चली गई, और यहां से फिर जो एक्सपिरेशन होगा एयर इधर आ जाएगी, और नेक्स्ट साइकिल के अंदर जो यहां पर एयर थी वो फिर दोबारा कहां पर आ जाएगी, वो लंग्स के अंदर चली जाएगी। इसका मतलब जो लंग्स हैं वो लगातार फ्रेश एयर को ही लेते रहते हैं, ठीक है। इसलिए इनके अंदर बर्ड्स के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो इफिशियंसी होती है, जो इफिशियंसी होती है वो बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ड्यूरिंग फ्लाइट ब्रीदिंग कैसे होती है, एंड जो एयर सैक्स हैं इनका जो फंक्शन होता है मेनली वो क्या कुछ होते हैं। तो बेटे नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यूरिंग फ्लाइट, ड्यूरिंग फ्लाइट ब्रीदिंग, ब्रीदिंग मैकेनिज्म, ड्यूरिंग फ्लाइट ब्रीदिंग मैकेनिज्म। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली कि जब बर्ड हो रहा है रेस्ट कंडीशन कर रहे हैं, रेस्ट कंडीशन के अंदर है, या बर्ड नॉर्मली आराम से बैठा है, तब तो हमने देखा कि बर्ड के अंदर ब्रीदिंग कैसे होती है, ठीक है। लेकिन जब बर्ड उड़ रहा होता है या जब फ्लाइट कर रहा होता है, तब उसके अंदर ऐसा मैकेनिज्म नहीं हो सकता कि वो अपने स्टर्नम को मूव कर सके, ठीक है, या फिर अपनी जो रिब केज है उसे मूव कर सके, ठीक है। तो तब क्या होता है, क्योंकि जब बर्ड उड़ रहा होता है तब उसे स्टैटिक रहना पड़ता है, उसकी जो कंडीशन है उसे रिजिड रखना पड़ता है, उसे रिजिड रखना पड़ता है या फिर उसे स्टैटिक बना के रखना पड़ता है अपनी बॉडी को, तब ऐसा नहीं हो सकता कि वो स्टर्नम को मूव कर सके। तब क्या होता है ड्यूरिंग फ्लाइट जो उसके विंग्स होते हैं, जो बर्ड के विंग्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, तब वो क्या करते हैं मूव करते हैं। जब वो मूव करते हैं, जब वो दोनों विंग्स जो है मूव करते हैं, तब क्या होता है कि तब वर्टिब्रल कॉलम, तब वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम प्लस में जो पेक्टोरल मसल्स होती हैं, जो पेक्टोरल मसल्स होती हैं, पेक्टोरल मसल्स होती हैं, ठीक है, ये क्या करती हैं, ये मूव करती हैं, ठीक है, पेक्टोरल मसल्स मूव करती हैं। और क्या होता है कि जो वर्टिब्रल कॉलम है ये मूव करता है, ठीक है। जब ये मूव करता है तब क्या होता है बर्ड को जो प्रेशर पड़ता है, जो अपनी पल्मोनरी कैविटी है उसके ऊपर क्या पड़ता है प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर रिलीज होता है, उसके दौरान क्या होता है जो पल्मोनरी कैविटी है उसका वॉल्यूम बढ़ता है और कम होता है, ठीक है, उसके कारण उसका प्रेशर इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, और उस टाइप से फिर क्या होता है बर्ड के अंदर जो है ड्यूरिंग फ्लाइट ब्रीदिंग उस टाइप से कंप्लीट होती है, ठीक है। मतलब मेन बात क्या है कि ड्यूरिंग फ्लाइट जो बर्ड है उसे ब्रीदिंग के ऊपर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ठीक है। ड्यूरिंग फ्लाइट बर्ड ब्रीदिंग के ऊपर ज्यादा वर्क नहीं करता, क्योंकि जो विंग्स हैं वो मूव कर रहे होते हैं ड्यूरिंग फ्लाइट, ठीक है, उससे क्या हो रहा होता है उसका, उससे उसका वर्टिब्रल कॉलम और पेक्टोरल मसल्स ये मूव कर रही होती हैं, और वो क्या करती हैं फिर जो पल्मोनरी कैविटी है उसको क्या करती हैं ये मूव करवा देती हैं, और उससे फिर क्या हो जाता है बर्ड के अंदर ब्रीदिंग का मैकेनिज्म हो जाता है, ठीक है। तो ये था बेसिकली ब्रीदिंग मैकेनिज्म इन बर्ड्स। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो एयर सैक्स हैं इनका बेसिकली फंक्शन क्या है, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, ध्यान से बात सुनिए। जो एयर सैक्स होते हैं, जो एयर सैक्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये ब्रीदिंग मैकेनिज्म को इफिशियंट बनाते हैं, ये क्या करते हैं इफिशियंट बनाते हैं ब्रीदिंग मैकेनिज्म को, मेक्स मोर इफिशियंट ब्रीदिंग मैकेनिज्म, ब्रीदिंग मैकेनिज्म। हम लोगों ने देखा कि जो एयर सैक्स होते हैं इनकी हेल्प से क्या होता है कि जो ब्रीदिंग होती है बर्ड के अंदर, ठीक है, वो काफी ज्यादा एफिशिएंट बन जाती है, क्योंकि जो लंग्स हैं वहां पर जो एयर है वो हमेशा से कौन सी एयर आती है, वहां पर फ्रेश एयर आती है, वहां पर फॉल एयर फ्रेश एयर के साथ में मिक्स नहीं होती है, ठीक है, इसलिए इनकी जो ब्रीदिंग का जो एफिशिएंसी रेट है वो बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो एयर सैक्स होते हैं, जो एयर सैक्स होते हैं ये क्या करते हैं, इनके अंदर बेसिकली एयर होती है, ठीक है, एयर होती है तो ये बॉडी वेट को कम करते हैं, क्या करते हैं बॉडी वेट को कम कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि जो एयर सैक्स हैं इनके अंदर जो एयर है ना
जो एयर है एयर सैक्स के अंदर वो कौन सी होती है, वो काफी ज्यादा वार्म एयर होती है, वो गर्म हवा होती है। ठीक है, अब वार्म एयर जो होती है ये क्या होती है, ऊपर की ओर उठती है, ये क्या होती है ऊपर की ओर उठती है। ठीक है, जिससे बर्ड को क्या मिलती है, बायोन्सी मिलती है, बर्ड को बायोन्सी मिलती है। ठीक है, बायोन्सी मिलने के कारण जो बर्ड्स हैं वो इजीली उड़ पाते हैं। ठीक है, जो मेन फोर्थ इसका एयर सैक्स का फंक्शन है वो क्या होता है, ड्यूरिंग समर्स, गर्मियों के दौरान क्या होता है, बेसिकली गर्मियों के दौरान जो बर्ड्स हैं वो क्या करते हैं, कूलिंग करते हैं अपनी बॉडी को, बॉडी इनकी बॉडी की जो कूलिंग है। ठीक है, वो किन की हेल्प से होती है, वो भी एयर सैक्स की हेल्प से होती है, क्योंकि जो एयर सैक होते हैं ये काफी ज्यादा थिन वॉल्ड होते हैं, ये क्या होते हैं काफी ज्यादा थिन वॉल्ड होते हैं। ठीक है, और थिन वॉल्ड होने के कारण ये क्या करते रहते हैं, इस जो एयर सैक्स की जो सरफेस होती है वहां से क्या करते हैं, ये इवेपोरेशन कर देते हैं, ये क्या करते हैं इवेपोरेशन करते हैं। इवेपोरेशन जब ये करते हैं तो बॉडी की जो हीट है वो कम हो जाती है। ठीक है, जो नेक्स्ट कम वर्क है कि इसके अंदर जो इनकी नीड क्यों पड़ती है एयर सैक्स की इवेपोरेशन के लिए, क्योंकि इनके अंदर स्वेट ग्लैंड्स नहीं होती हैं, क्योंकि इनके अंदर स्वेट ग्लैंड्स पसीने के लिए बर्ड्स के अंदर नहीं होती हैं। ठीक है, तो एयर सैक्स की जो सरफेस होती है वही क्या करती है, इवेपोरेशन का काम करती है, और उससे क्या होता है इनके अंदर बॉडी को जो कूलनेस रखने का काम है वो किया जाता है। ठीक है, तो ये था बेसिकली बर्ड्स के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में।